आई वाज टेलिंग यू कि जब हम डिटरमिन करते हैं मोलर मासेस तो दो मेथड से करते हैं. वन मेथड व्हिच इज नोन एज द फिजिकल मेथड. इन दिस मेथड देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वड, राइट. सो फिजिकल मेथड्स में भी हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, वन व्हिच इज नोन एज वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड द अदर वन दैट इज नोन एज नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स. तो दोनों के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. अगर हमारे पास वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है तो वोलेटाइल कंपाउंड को हम तीन मेथड से करेंगे. द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज विक्टर मियर्स मेथड. सेकेंड मेथड इज नोन एज ड्यूमास मेथड एंड द थर्ड मेथड दैट इज नोन एज हॉफमैन. सबके एक्सप्रेशन हमको लर्न करने हैं. वी डू नॉट हैव टू गो इन टू डेरिवेशंस की किस तरह से हमने उसको किया. यू ओनली हैव टू लर्न द फॉर्मूले टू कैलकुलेट द मोलर मासेस, ठीक है. अब मोलर मासेस बहुत सारी जगह पे आपको पता है कोरिलेटेड है. आपने मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूशंस के, कोई भी आपने मेडिकल्स करोगे उसमें आपने मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है. अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला करते हो उसमें भी आपको मोलर मासेस पता होने चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो. तो इसलिए ये सारे मेथड्स की जो भी फॉर्मूले हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर एब्सोल्युटली, ओके. सेकेंड जो आते हैं हमारे पास कंपाउंड्स वो है नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स में क्या फर्क है? वॉलेटाइल कंपाउंड्स इवेपोरेट करेंगे तो हम इसमें देखेंगे तीनों मेथड्स में कि हम लोग वेपर स्टेट की वॉल्यूम भी इसमें कंसिडर करते हैं. नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि इवेपोरेट नहीं करते. तो नॉन वॉलेटाइल को हम दो मेथड से मोलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं. द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड. और जो सेकेंड मेथड है दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. सो ये हमारे पास फिजिकल मेथड्स हो गए. फिर उसके बाद सेकेंड जो है दे आर केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स जनरली हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. टू मेथड्स हम इसमें करेंगे. द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर एसिड्स. सिल्वर सॉल्ट मेथड्स फॉर एसिड्स. ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ एसिड्स ही एसिड्स के मोलर मासेस कैलकुलेट करने में ही काम आता है, ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज प्लैटिनम क्लोराइड मेथड फॉर बेसिस. So let's write down the formulae of each of them one by one. सबसे पहले हमारे पास विक्टर मियर्स मेथड है. So जब हम विक्टर मियर्स मेथड करते हैं आपने ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला वाले कॉन्सेप्ट में. अकॉर्डिंग टू विक्टर मियर जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, ठीक है. अब देखो हम यहाँ पे वेपर्स ले रहे हैं ना बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूट है दैट इज वॉलेटाइल. तो 2 इनटू वेपर डेंसिटी. मोस्टली वेपर डेंसिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी होती है. अगर इनकेस हमें वेपर डेंसिटी नहीं दी गई तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है
that is W upon B2 into 0.009. ठीक है, ये आपने याद रखना है, जीरो जी सॉरी चार जीरो आएंगे, 0.00009. अब यहां पे what is going to be W, which is given over here? W is the mass of the organic compound. Mass of the organic compound, and V2 that is equal to volume of the gas at NTP. ठीक है, सो ये फर्स्ट मेथड है. अगर डायरेक्टली वेपर डेंसिटी दी हुई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि मोलर मास हमारा आ गया 2 इनटू वेपर डेंसिटी. इन केस वेपर डेंसिटी नहीं दी गई तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला W / V2 * 0.00009. ठीक है, देन द सेकंड मेथड दैट इज नोन एज द ड्यूमास मेथड. ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, फॉर्मूला भी इसका जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो लेट्स सी, इस पे बहुत सारी चीजें हमारे को दे रखी होती हैं. द सेकंड मेथड व्हिच इज नोन एज ड्यूमास मेथड, राइट. अब ड्यूमास मेथड के अकॉर्डिंगली मोलर मास जो है दैट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 माइनस V1 इनटू 0.00129, ठीक है, अपॉन V2 इनटू 22.4, या पूरा ये ऊपर ही न्यूमरेटर में आएगा इनटू 22400, राइट. अब यहां पे क्या कुछ हमें दिया गया है वो लिखो. W1, इससे बेसिकली हम ड्यूमास मेथड में एक बल्ब लेते हैं और उस बल्ब में हम मेजरमेंट्स करते हैं. पहले हम उसको बल्ब को एमटी मेजर करेंगे, फिर हम उसके अंदर एयर डालते हैं, एयर डाल के हम उसको मेजर करेंगे, फिर उसके बाद हम वाटर डाल के मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे ये वाली कैलकुलेशंस जो है वो हम करते हैं. ठीक है, सो यहां पे W1 क्या आएगा, W1 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बल्ब प्लस एयर. W1 is equal to mass of the bulb plus air. W2, mass of the bulb plus vapor. W3, mass of the bulb plus water. ठीक है? Then V1 is the volume of the air at NTP. V2 is volume of the vapor at NTP. In case हमें V1 और V2 भी separately नहीं दे रखी है directly, तो वो भी हम calculate कर सकते हैं. V1 can be calculated as W3 minus W1. W3 क्या हुआ? Mass of the bulb plus water minus W1 mass of the bulb plus air. ठीक है? Into प्रेशर P1 अपॉन T1 इनटू 273, दैट इज द टेंपरेचर एट एनटीपी कंडीशंस, अपॉन 760, दैट इज द प्रेशर एट एनटीपी कंडीशंस. ठीक है, W3 ऊपर वाले यूज हो, हाँ W3 फिर से ऊपर वाले में यूज होगा, दोबारा से यूज होगा यहाँ. अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे W3 नहीं यूज हो रहा, W3 हम सिर्फ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, फिर V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, W3 माइनस W1 इनटू P1 अपॉन T2 इनटू 273 into 760. ठीक है, सो ड्यूमास मेथड में मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये पूरा का पूरा
एक्सपेरिमेंटल होता है, जहां पे हम लोग W2 जो है दैट वी आर टेकिंग मास ऑफ द बल्ब प्लस वेपर, W1 वी आर टेकिंग मास ऑफ द बल्ब प्लस एयर, इसको हम इस तरह से एक्सपेरिमेंटल उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम डालेंगे, और V2 को हम V1 को हम कैलकुलेट करते हैं W3 minus W1 into P1, प्रेशर वुड बी गिवन ठीक है into 273.760 T1, और V2 हम कैलकुलेट करेंगे W3 minus W1 into P1 into 273.760 upon T2 ठीक है. सो दिस इज द Dumas मेथड. फिर थर्ड मेथड जो है दैट इज एन इजी मेथड, Hoffman मेथड. लेट्स सी क्या है इसमें. Hoffman's method. ये वाला एक easy method है. इसमें molar mass that is equal to mass of the substance mass of the substance upon volume of the vapors at NTP. Volume of the vapors at NTP into volume of the gas at STP that is 22400. Right? So, ये हम volatile substances के लिए molar masses, फिर non-volatile के लिए non-volatile के लिए first that is equal to elevation in boiling point वाला method. Elevation in boiling point, according to this molar mass that is equal to KB into WB into 1000 upon delta TB into WA. Okay, where KB is molar elevation constant. So, ये जो होता है KB, ये different solvents की different values होती है. Okay? KB is molar elevation constant. WB आ गया mass of the organic substance या solute ले लेते हैं हम, mass of the solute. Delta TB is an experimental value which is equal to elevation in boiling point. Elevation in boiling point and WA that is equal to mass of the solvent. ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकेंड जो मेथड यहां पे यूज करते हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सिमिलर वी हैव टू यूज, सिर्फ यहाँ पे KB जो है वो चेंज हो जाता है टू KF और डेल्टा DB चेंज हो जाता है टू डेल्टा DF. ओके, सो यहां से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे. मोलर मास इज इक्वल टू KF इनटू WB 1000 अपॉन डेल्टा DF इनटू WB. सो KF यहां पे क्या हो जाएगा, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट. WP is the same, mass of the solute. WA is the same, mass of the solvent. और delta TF क्या हो जाएगा, depression in freezing point. ठीक है, तो इस तरह से हम non-volatile का करते हैं.
फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी केमिकल मेथड्स. द फर्स्ट मेथड इज सिल्वर सॉल्ट मेथड फॉर एसिड्स. Chemical methods. Chemical methods being the first method, that is silver salt method for acids. Now in this case, as I told you, सिर्फ हम acids का ही molar mass calculate कर सकते हैं. Okay? So that is molar mass is given as, क्योंकि हम silver ले रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे कि formula में भी हम लोग silver का atomic mass जो है वो consider करते हैं. Okay? So ये आ जाएगा W upon X into 108 minus 107 into N. जहां पे W जो है दैट इज द मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट टेकन. जो भी सिल्वर का हम सॉल्ट ले रहे हैं उसका मास लेंगे इधर, जो कि हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में. X इज द मास ऑफ मेटालिक सिल्वर. तो जो मेटालिक सिल्वर का मास निकलता है that is going to be S, and N that is basicity of the acid. Basicity of acid. ठीक है, basicity of acid का मतलब क्या हुआ कि अगर dibasic acid है, मतलब कि वो दो H positive ions को release कर सकती है easily, तो उसकी basicity कितनी होगी? 2. जैसे हम HCl ले रहे हैं तो HCl एक ही हाइड्रोजन दे सकता है ना, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1. और अगर H2SO4 ले तो वो 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो उसकी बेसिसिटी 2. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द बेसिसिटी. ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज प्लैटिनी क्लोराइड मेथड फॉर बेसिस. Only be utilized to calculate the molar mass of a base. इसमें हम पहले equivalent mass calculate करते हैं. तो platinum chloride में जो equivalent mass हम calculate करेंगे base का, that will be given by E is equal to 1 by 2 W upon X into, अब जैसे हमने यहाँ पे silver का mass लिया है, यहाँ पे हम लोग platinum का mass लेंगे, which is 195. और जो कंपाउंड बनता है उसका, जो प्लैटिनी क्लोराइड कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास 410. सो वो हमने यहां पे लेना है. ठीक है, सो ये ई आ गया, राइट. अब आपको पता है कि अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है तो वो इक्विवेलेंट मास के साथ कैसे रिलेटेड होता है. मोलर मास इज इक्वल टू ई इनटू एसिडिटी ऑफ अ बेस. सो मोलर मास क्या आ जाएगा? Into N, where N that is equal to acidity of a base. जैसे for example, अगर हम KOH ले रहे हैं तो KOH की acidity कितनी होगी? 1. ठीक है, अगर हम barium hydroxide ले रहे हैं तो उसकी acidity कितनी होगी? 2. So that is what the acidity of a base is going to be, right? Last topic जो हमारा इस analysis का रह गया है, हमने जो कल किया था qualitative analysis, उसमें हमने test किए थे to see कि जो हमारे पास compound है, उसमें कौन सा element present है.
नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, वो सारे टेस्ट हमने किए थे फॉस्फोरस है या हेलोजन से, ठीक है। एक और टेस्ट हम करते हैं विच आर स्पेसिफिक टू द फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू ऑफ देम, क्योंकि मोस्टली चैप्टर्स के साथ हम टेस्ट को हम लोग रिपीट करेंगे। सो कुछ जो कॉमन वाले हैं उनको हम कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is functional group identification, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। वो ग्रुप्स जो कि एक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, ओके। सो लेट्स से हम एक टेबल सा बना रहे हैं, वी आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप इन द फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट कॉलम में हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन। सो द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप व्हिच वी आर टेकिंग इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। दिस इज आर सी डबल बॉन्ड OH। जो टेस्ट हम इसके लिए करते हैं दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगी। अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाट, बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा इसके अंदर डालते हैं तो एकदम से एफोवेसेंस होती है। सो ऑब्जर्वेशन इसकी क्या होगी कि एफोवेसेंस होती है झाग ना सारी। सो अगर हम इसमें एफोवेसेंस ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ गया एल्कोहल। एल्कोहल हम करेंगे यूज जब हम OH को एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करें, राइट। सो जो फर्स्ट टेस्ट विच वी आर गोइंग टू डू वो ROH का टेस्ट है। दिस इज नोन एज कैन टेस्ट, CAN, कैन टेस्ट। कैन स्टैंड फॉर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस क्या आती है, वी गेट अ रेड कलर प्रेसिपिटेट विद द फॉर्मूला आर ओ एच होल ट्वाइस सीरियम नाइट्रेट। उसको हम फिनोलिक ग्रुप बुलाएंगे। सो जो थर्ड टेस्ट होता है दैट इज द टेस्ट फॉर फिनोल, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ये। जैसे ही हम फिनोल में फेरिक क्लोराइड इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है दैट टर्न्स वायलेट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टेस्ट है दैट इज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप,
कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों आते हैं। आपको पता है कि कुछ टेस्ट जो है सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं और कुछ टेस्ट सिर्फ कीटोन्स देते हैं। तो जो एल्डिहाइड टेस्ट देंगे उसमें कौन कौन से है? एक टोलन्स रिएजेंट टेस्ट। टोलन्स रिएजेंट टेस्ट इज द सिल्वर मिरर टेस्ट व्हिच इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स। कीटोन्स वाला टेस्ट नहीं देते। फेनिक्स सॉल्यूशन टेस्ट वो भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। और बेंडिक्स सॉल्यूशन टेस्ट वो भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे और कीटोन्स नहीं देंगे। सो हम यहां पे सिर्फ दो ही टेस्ट कंसीडर कर रहे हैं एल्डिहाइड्स के लिए। द फर्स्ट टेस्ट दैट इज नोन एज ब्रैडीज टेस्ट। ब्रैडीज टेस्ट में हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं, इसको मोर कॉमनली 2,4-DNP टेस्ट भी बुलाते हैं। बोन्स में इसी नाम से आता है ये टेस्ट, 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine टेस्ट। ओके, सो हम एल्डिहाइड को 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ रिएक्ट करते हैं जब हमारे पास या तो येलो या ऑरेंज या रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। सो इसे हम ब्रैडीज टेस्ट बुलाते हैं। मोर कॉमनली हम इसको 2,4-DNP टेस्ट बुलाते हैं। सेकेंड जो है दैट इज द टोलन्स रिएजेंट टेस्ट। This is also known as silver mirror test. Tollens reagent kya hai? It is a solution of ammonical silver nitrate solution. Ammonical silver nitrate solution. तो जब हम Tollens basically एक oxidizing agent है, Tollens reagent. जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो इनर लाइनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब होती है उसमें एक सिल्वर कलर का मिरर जो है वो बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज मोर कॉमनली नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। सो इट जस्ट गिव्स अ लाइनिंग ऑफ सिल्वर ऑन द इनर साइड ऑफ द ट्यूब। सो ये दोनों टेस्ट जो है ये सिर्फ एल्डिहाइड से देते हैं, कीटोन्स ये वाले टेस्ट नहीं देते, ठीक है। जो कीटोन्स टेस्ट देते हैं दैट इज नोन एज द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में हम लोग कीटोन को ट्रीट करते हैं आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सारे टेस्ट हमने करने आगे जो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट देता है ऑफ आइडोफॉर्म, दैट इज व्हाई हम इसे आइडोफॉर्म टेस्ट बुला रहे हैं, क्योंकि इसमें आइडोफॉर्म बनती है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है वो सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ही देंगे। मिथाइल कीटोन्स का मतलब कि जो कीटो ग्रुप है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट तो ये जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पर अगर सपोज हमारे पास ये है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज यहां पे कीटो के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड नहीं, ठीक है। इसके अलावा कीटोन के अलावा जो और ये वाले टेस्ट देते हैं दैट इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज एन एक्सेप्शन, इथाइल अल्कोहल भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और एसिटाल्डिहाइड ये भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेस्ट आता है विच इज अ टेस्ट फॉर सैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट। ये बहुत इजी सा टेस्ट है। इसमें जैसे हम लोग एल्कीन्स या एल्काइन्स है हमारे पास, उसको हम ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो जो ब्रोमीन है उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा,
decolorization of bromine water takes place अगर alkene या alkyne present है, ठीक है। उसी तरह से एक potassium permanganate test भी होता है। potassium permanganate जो है उसे हम क्या बुलाते हैं, that is known as Beer's reagent। हमें पता है कि जो potassium permanganate KMnO4 alkaline KMnO4 का एक बहुत ही इंटेंस पर्पल सा कलर होता है ना, और जैसे ही उसको हम ट्रीट करते हैं विद एल्कीन और एल्काइन तो उसका पर्पल कलर भी है जो वो डीकलराइज हो जाता है, राइट। सो दीज आर फ्यू टेस्ट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। सो इसके साथ हमारा सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।